ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्टी को देश की जनता वोट नहीं डालेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है कि वो एक मजबूत, ईमानदार एवं सशक्त नेतृत्व को देश की प्रधानमंत्री के तौर पर बागडोर देने वाली है। हमीरपुर में एनजीओ भवन में पार्टी द्वारा आयोजित पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ सम्मेलन में उपस्थित सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने ये बात कही। टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्टी को देश की जनता कभी वोट नहीं डालेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है कि वह एक मजबूत, निर्वेक, ईमानदार तथा सशक्त नेतृत्व इस देश में दोबारा लाएगी। हमीरपुर के एनजीओ भवन में पार्टी द्वारा आयोजित पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ सम्मेलन में उपस्थित सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और साथ में देश की जनता नरेंद्र मोदी के काम और उनके सशक्त नेतृत्व के नाम पर लड़ रही है। 5 वर्षों में मोदी सरकार ने ईमानदारी से काम करते हुए, सबका साथ सबका विकास करते हुए, गरीबों और पिछड़ों के साथ न्याय करते हुए, देश की आर्थिकी को बढ़ाते हुए, वो देश के दुश्मनों के गलत इरादों को मिट्टी में मिलाते हुए भारत का नेतृत्व किया है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी और विरोधियों को घेरते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस ने हमेशा सदन में विरोध किया है। यही नहीं, देशद्रोह की धारा को कांग्रेस पार्टी खत्म करने की बात करती है। देश की सुरक्षा में जुटी सेना की हिफाजत के लिए बने एस्पा कानून को खत्म करने की बात करती है। नागरिक होने के नाते सैनिक और उसके परिवार का दुख दर्द बताती है। ये है हिमाचल की ताकत। और कहीं ना कहीं इस मंच पर पूर्व सैनिक और पूर्व कर्मचारी इकट्ठे होकर देश को मजबूत करने के लिए, मजबूत भारत की नींव, नए भारत की नींव, एक मजबूत सरकार और दमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से रखने के लिए आज सब यहां पर इकट्ठे हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये ताकत आपकी है और मैं तो ये कहूंगा, अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं, मैं कहता हूं मेरे पूर्व कर्मचारी और पूर्व सैनिक भाइयों, हमें नारा देना चाहिए 1,000 से या 5,000 से एक लड़ाऊं तो पूर्व कर्मचारी या पूर्व सैनिक कहलाऊं। अरे आप में वो ताकत है, लोग आपको सुनते हैं, आपका इंतजार करते, समाज में एक आपकी पैठ है। आपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, आप केवल अपनी पंचायत, अपने गांव, अपने विधानसभा तक सीमित मत रहिए। जहां जहां आपने काम किया, सुबह फोन उठाओ, कम से कम 5 फोन रोज के करिए और 5 लोग नए मिलने की करिए। अगले 40 दिन में 200 लोगों से संपर्क फील्ड में जाकर करेंगे और 200 को फोन करेंगे और ये हमारा योगदान अपनी ओर से नरेंद्र मोदी को होगा और अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाए। सांसद अनुराग ठाकुर ने टुकड़े गैंग का समर्थन करने पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि आप लगातार इस देश में चुनाव पर चुनाव हारते जा रहे हैं, तो कहीं आपका इरादा भारत के टुकड़े कराकर किसी एक टुकड़े पर राज करने का तो नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करते हुए मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक खत्म करने का कानून तक बना दिया। राहुल जी, क्या इच्छा है आपकी? भारत के टुकड़े कराने के इरादे हैं क्या? अब देश में आप लगातार हारते चले जा रहे हो तो क्या देश के टुकड़े कराकर किसी एक टुकड़े पर राज करना चाहोगे? मेरा वो भाषण बार बार देखिए, उन सारी बातों का जवाब आपको इस चुनाव में मिल रहा है। इन्होंने राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म करने की बात कर दी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में बदलाव करने की बात कर दी, जो उस समय राहुल गांधी अपनी कुर्सी के नीचे 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 जा रहा था, मेरा भाषण बढ़ता जा रहा था, नीचे 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 जा रहा था और फिर बाहर ही चला गया, उसका जवाब आज मिल रहा, उस समय नहीं दिया। ये जो टुकड़े पे राज करने की बात है, जैसे बयान कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के आ रहे कि कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री चाहिए, क्या आप चाहते हो कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री, कश्मीर भारत से अलग हो जाए? अरे हमारे 1,000 सैनिकों ने अपने जान दे दी।
इस अवसर पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र और हमीरपुर विधानसभा में सांसद निधि और केंद्र सरकार की योजनाओं से करोड़ों रुपए का विकास हुआ है तथा हमीरपुर की जनता एक बार फिर से सांसद अनुराग ठाकुर को जिताकर इस विकास को आगे बढ़ाएगी। पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद केंद्र प्रदेश को हजारों करोड़ों के विकास प्रोजेक्ट मिले, लेकिन कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सरकार ने इस विकास कार्यों में जी भरकर रोड़े अटकाए हैं। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इन विकास प्रोजेक्टों को तीव्र गति मिली है। जनता को विकास करने वाली मोदी सरकार, भाजपा सरकार एक बार फिर से चाहिए। पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि सही मायनों में भाजपा की सरकार है, कर्मचारी हित में फैसले लेती है, जबकि कांग्रेस राज में हमेशा कर्मचारियों का शोषण हुआ है।